वरणवे शर्मणीय दर्शनम मंदहास रुचिरान्नाम्बुजम उजितम सुरनरोतमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। श्री स्वामीनारायण मंदिर सौदा के शताब्दी महोत्सव के पावन अवसर पर दूसरे दिन के समापन सत्र में श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा के वक्ता परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी भक्ति प्रकाश दास जी, वेदांताचार्य, व्याकरणाचार्य इस पवित्र सभा में उपस्थित स्वामीनारायण संप्रदाय के श्री लक्ष्मीनारायण देव देश के पीठाधिपति परमादरणीय सनातन धर्म धुरंधर आचार्य महाराज पूज्य राकेश प्रसाद जी महाराज श्री आप और हम सभी का बड़ा सौभाग्य है विशेष उपस्थिति में आज सत्केवल संप्रदाय के आचार्य सप्तम कुबेराचार्य मेरे स्नेही परमादरणीय परम पूज्य श्री अमिचल दास जी महाराज गुरु गादी सहरसा इस सभा में उपस्थित महामंडलेश्वर पूज्य जनार्दन जी महाराज इस समग्र महोत्सव के अध्यक्ष परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दास जी स्वामी सौदा मंदिर के उत्साही कोठारी परम पूज्य कोठारी स्वामी घनश्याम प्रिय दास जी स्वामी आदरणीय संहिता पाठ के सभी परम पूज्य संत सभा में उपस्थित सभी भगवान स्वामीनारायण के पवित्र संत शताब्दी महोत्सव के मुख्य यजमान पाटिल परिवार महोत्सव के सहयजमान महोत्सव के उपयजमान कथा के सहयजमान पाठोत्सव के मुख्य यजमान एवं बहुत बड़ा लिस्ट है इस पवित्र शताब्दी महोत्सव में जो जो भक्तों ने दान दिया है वो सभी भगवान के भक्तगण उपस्थित भगवान स्वामीनारायण के आश्रित सभी भक्तगण माताएं खास करके प्रसिद्ध कथाकार पूज्य गीता दीदी और सभी बालक है बड़ा आनंद हो रहा है भगवान स्वामीनारायण के और स्वामीनारायण भगवान के बड़े संतों ने जो मेहनत करके इस पवित्र खानदेश के पश्चिम विभाग में जो सत्संग का स्थापन किया था उसका सूर्य आज मध्यान्ह पर है 100 साल हो गए मंदिर को उसके पहले कई सालों से भगवान स्वामीनारायण के नंद संतों ने यहां आकर के खानदेश के सत्संग को स्थापन किया था सद्गुरु अद्भुतानंद स्वामी सद्गुरु मंजू केशानंद स्वामी और ऐसे ही पवित्र कई संत थे सेकंड पीढ़ी में सद्गुरु शास्त्री स्वामी कृष्णप्रिय दास जी स्वामी जो अपने वक्ता हैं उनके गुरु नीलकंठ शास्त्री जी थे उनके गुरु जी लगते हैं सद्गुरु जिष्णुदास जी स्वामी सद्गुरु विष्णु सेवकदास स्वामी
कि सेकंड जनरेशन के संत उनके प्रयत्न से और थर्ड जनरेशन में शास्त्री स्वामी हरि स्वरूप दास जी, शास्त्री स्वामी नीलकंठ दास जी, शास्त्री स्वामी कृष्ण स्वरूप दास जी, शास्त्री स्वामी कृष्ण केशव दास जी, इनके प्रयत्नों से और अभी हम जो माहौल देख रहे हैं, जो आनंद का पर्व देख रहे हैं, उसमें जो अध्यक्ष विराजमान है हमारे सभी संतों के आदरणीय गुरुस्थान पर जिनको रखा जाए, ऐसे परम पवित्र संत सद्गुरु शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दास जी एवं मेरे स्नेही मित्र व्यासासन पर विराजमान शास्त्री स्वामी भक्ति प्रसाद दास जी, भगवान स्वामीनारायण द्वारा संस्थापित ये संप्रदाय सभी जीवात्माओं के लिए बड़ा कल्याणकारी संप्रदाय है। जो मनुष्य इस संप्रदाय का शुद्ध भाव से, इस सत्संग का शुद्ध अंतःकरण से इस लाइफ में, इस कलयुग में ग्रहण करता है, जो जिस भाव से इस सत्संग को अनुसरण करता है, उसका वैसा मोक्ष होता है, जरूर होता है। क्योंकि ये शुद्ध सनातन पवित्र संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय है। कैसी मेहनत की थी बड़े संतों ने, पूज्य पुराणी स्वामी विष्णु सेवक दास जी, जिष्णुदास जी को, उनके गुरु बाल मुकुंद दास जी को मैं याद करूंगा। आज से 100 साल पहले यहां पर बड़े हरिभक्त जो आज सुधीर भाव पाटिल यहां पर उपस्थित है, उनका परिवार पूरा समग्र महोत्सव का मुख्य यजमान बना है, उनके पुरखों ने और सभी हरिभक्तों ने मिलकर के उनको आग्रह और प्यार से बस करके इस सावधा में रखे थे। कितना भव्य मंदिर बनाया, कितना पवित्र मंदिर बनाया, कैसी सनातनी शुद्ध परंपरा की मूर्तियां स्थापित की। श्री राधा कृष्ण देव सभी भक्तों के हृदय में, सभी खानदेश के भक्तों के हृदय में श्री राधा कृष्ण देव की शुद्ध परंपरा, स्वामीनारायण भगवान की शुद्ध उपासना उन्होंने स्थापित की। आज 100 साल के बाद कोठारी स्वामी घनश्याम प्रियदास जी का ये समय आया, उन्होंने 1 साल से तैयारी की थी और 6 महीने पहले शास्त्री स्वामी भक्ति प्रकाश दास जी मुझे अमेरिका में जब मिले, तब भी उनके हृदय में चिंता कोई थी तो वो सावदा के शताब्दी महोत्सव की चिंता थी। संतों का जो प्रयत्न है, मैंने पहले कहा वैसे जीवात्माओं के कल्याण का, श्रीमद् भागवत जी की जो कथा भगवान स्वामीनारायण को अत्यंत प्रिय थी, जिस कथा के माध्यम से अभी आधा घंटे पहले हमने सुना, केवल 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हुआ, ऐसी परम पावनकारी कथा हमारे लिए संत लाते, कितना प्रयत्न किया है। एक छोटे से छोटी चीज का ध्यान संतों ने उत्सव में दिया, मंदिर का कलर काम करवाया, उत्सव के लिए पूरे खानदेश के एक भी गांव कोई बाकी ना रह जाए, इसलिए आज से 6 मास के पहले पूरे खानदेश में जहां पर भी अपना सत्संग है वहां जा जा करके सत्संग सभाओं का आयोजन किया। अखिल खानदेश सत्संग समाज का पूरा सम्मेलन यहां बनाने का निश्चय किया और केवल ये कार्य मैं समझता हूं संतों का ये जो निर्दोष प्रयत्न है, केवल भगवान श्री राधा कृष्ण देव को राजी करने का प्रयत्न है, उनकी कृपा के अधिकारी होने का एक प्रयत्न है। बस हमारे पुरखों ने जो मेहनत करके जो सत्संग की स्थापना की, हमारे जो वडील आदरणीय संत थे, ऐसा समय उस समय नहीं होगा, इतना साधन उस समय लाने के लिए ये पत्थर कहां से लाए होंगे, कैसे मूर्तियों का
स्थापन किया होगा, कितना प्यारा सभा मंडप बनाया है उन्होंने, कितनी मेहनत की होगी खानदेश के सत्संग के लिए। जब भी हम खानदेश में जाते हैं, सत्संग देखते हैं, मंदिरों देखते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, नाहवी का मंदिर देख लीजिए, सातोद का मंदिर देख लीजिए, कठोरा का मंदिर देख लीजिए, हिंगोड़ा का मंदिर जो था, कितना कलात्मक काष्ठ की कलाकृति से बनाए गए हमारे मंदिर। खानदेश में जो गुजरात में है उससे जरा भी इनका भार भी अलग न हो, ऐसे कलाकृति वाले काष्ठ के मंदिर आज से 100 साल पहले हमारे संतों ने आपके पूर्वजों को उपदेश देकर के भक्ति के इतने बड़े धाम बनाए थे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, यहां पर उपस्थित सभी जनता, सभी सत्संगी, इस कार्यक्रम को देखने वाले जो भी होंगे, सुनने वाले, कार्यक्रम के बाद जो जिनको श्री मिलेगी वो बड़े भाग्यशाली होंगे। ये शास्त्री जी की कथा की जो श्री बसाएंगे वो भाग्यशाली होंगे। संत लोग आपके सामने शुद्ध सनातनी भक्ति मार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं, ये जीवात्मा के कल्याण का उपाय बता रहे हैं, कैसे हमारी भक्ति पुष्ट हो, कैसे हमारे मनुष्य जीवन का साफल्य हो, वो सब बात यहां से हो रही है। भगवान स्वामीनारायण को मैं प्रार्थना करता हूं, वर्तावासी श्री लक्ष्मीनारायण देव को प्रार्थना करता हूं कि सत्संग ने बहुत कुछ संप्रदाय को दिया। ये संप्रदाय गर्व से कह सकता है, यदि हमारे सामने कोई शास्त्रार्थ के लिए आए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास खानदेश के पवित्र पढ़े लिखे बड़े विद्वान तैयार हुए ऐसे संत हैं। साथ ही स्वामी धर्म प्रसाद दास जी का जीवन कोई देखे, पड़ताल में पवित्र संतों में एक दो में उनकी गिनती होती है, अब जाकर के देखे, सुबह में 5-5 घंटे तक ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज के आगे खड़े रहकर के स्तुति प्रार्थना करना, ये उनका जीवन है। रात दिन भगवत भक्ति उनका आराधन करना वही कार्य करते हैं। शास्त्री भक्ति प्रकाश दास जी भी वैसे ही पूरे संप्रदाय में आज जो युवान संत है उनमें कोई श्रेष्ठ विद्वान संत वर्तमान में कहे जाए युवानों में तो भक्ति प्रकाश शास्त्री जी, उनकी जो उनके पीछे जो टाइटल लगाया गया है वेदांताचार्य व्याकरणाचार्य का, उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की है। हम साथ में पढ़ते थे, हमने देखा है रात दिन तारा प्रवाह, जैसे आज गुजराती में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, वैसे वो संस्कृत में भी ऐसी ही कथा कर सके, ऐसे हमारे विद्वान संत है। संप्रदाय को गर्व है ऐसे संतों पर जो खानदेश में से हुए। एक समय ऐसा था गुजरात से संतों ने आकर के यहां सत्संग करवाया था, जितने भी मंदिर बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े संत हुए, विष्णु सेवकदास जी हुए, पुरानी जिष्णुदास जी हुए, उनके गुरु स्वामी बाल मुकुंददास जी थे, वो सभी गुजराती संत थे, उन्होंने आकर के यहां पर खानदेश में सत्संग करवाया। खानदेशी भाषा तक नहीं जानते होंगे, मुझे आती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो नहीं जानते होंगे, जब आए होंगे ऐसा समय भी नहीं होगा। आज 150 के करीब 150 से ज्यादा संख्या संतों की बड़ताल के संप्रदाय में खानदेश के संतों की है, उससे ज्यादा पार्षदों की भी बहुत बड़ी संख्या है। अरे कार्य मैं रिपीट करूंगा, केवल भगवान को राजी करने के लिए हुआ कार्य है, इसलिए इसमें बहुत बोलने का मन होता है, बहुत आनंद होता है। कुठारी स्वामी घनश्याम प्रियदास जी की मैं बात करूंगा, और न तो ऐसे कोई मेरी तरह आकर के यहाँ प्रवचन करेंगे, मेरे तरह आकर के यहाँ कुछ बोलेंगे, वो मुख सेवक के तरह एक बड़े विद्वान के साथ चल करके उन्होंने जो उत्सव किया, ऐसा उत्सव बहुत बड़े मंडल वाले बहुत बड़े संत भी नहीं कर सकते हैं, वो कार्य उन्होंने सावधान किया है। और जो राधा कृष्ण देव की इच्छा होती है वही एक कर सकता है, मुझे भी करना है लेकिन मैं नहीं कर सकता, उनके पर कृपा हुई भगवान की, वो ऐसा कर सके।
मैं आज मंदिर का दर्शन करने के बाद पूज्य विष्णु सेवकदास जी स्वामी की जहाँ अग्नि संस्कार की छतरी है वहाँ पर गया था। मैंने वहाँ जाकर के देखा वो रोड के साइड में कटिंग हो रही है, कट हो रही है, छतरी को वहाँ से निकालना पड़ेगा। उस पूरी छतरी को माइग्रेट करके दूसरी जगह ले जाने की भी बात कोठारी स्वामी घनश्याम प्रियदास जी के मंडल के पार्षद भरत भगत ने की थी। एक्चुअली घनश्याम स्वामी हैं वो डिब्बे की तरह चलते, लेकिन उनका इंजिन है ना वो कोठारी पार्षद भरत भगत है, ये इसकी नींव है। सबसे ज्यादा ताली उनके लिए हमको बजाना है। पूजा वो करते हैं हरि भक्तों को बड़ी प्यार से, एक घनश्याम स्वामी को सावधा जाना है ऐसा कर कर के ले आए, वो भरत भगत ले आए हैं। वो गुजराती ब्राह्मण है, पता नहीं चलता है मराठी ब्राह्मण है कि गुजराती है। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ विष्णु सेवकदास जी की छत्री का जब भी शास्त्री भक्ति प्रकाश दास जी, शास्त्री धर्म प्रसाद दास जी और कोठारी स्वामी घनश्याम प्रसाद दास जी मिलकर के जीर्णोद्धार करे तो मैं भी उसमें सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे पुरुषों ने जो हमारे मूल संप्रदाय के लिए ऐसी पवित्र देव आचार्य शास्त्र मंदिर हरिभक्त वाली संत वाली परंपरा जिस सत्संग को दी है, ऐसे पवित्र पूर्वजों को हम क्या, हम उनके लिए क्या कुछ न करें। बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशन भी हुए, बहुत कुछ बोलने का मन हो रहा है, फिर भी बड़े हमारे स्नेही गुजरात में जो संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय की गति की तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे परम स्नेही आचार्य श्री रविचंद्र जी महाराज उपस्थित हुए हैं, हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी महाराज आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आचार्य रविचंद्र जी महाराज को बताना चाहूंगा, हमारे आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी को गाड़ी पर विराजमान हुए 12 साल हो गए महाराज जी, और 31 जनवरी से 3 फरवरी तक वड़ताल में उत्सव है। मैंने आपको फोन से बताया भी था, बहुत बड़ा उत्सव महाराज जी उस समय अमेरिका में है। खैर जनार्दन जी महाराज जी को मैंने बताया है वो पधारने वाले हैं, लेकिन महाराज जी के हाथों से ऐसे करीब 424 नए संत हुए, 424 नए संत हुए 12 साल में। इतने बड़े संतों की संख्या अखंड विचरण हमारे आचार्य महाराज जी का है। आज यहाँ आए हैं, कल गुजरात में आमोद के पास नाहियर में थे, कल जाएंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश में, वहाँ पारायण है, वहाँ उसमें हाजिरी देंगे, उसके बाद तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ इस महाराज जी के हस्त से तैयार हुए संत सब विद्वान होकर के यहाँ संहिता पाठ में भी कई बैठे हैं। ऐसे आचार्यों का आज आपको दर्शन हो गया, आप सब सत्संगी लोग धन्य हो गए। आप सब लोगों को भगवान खूब बल दे, खूब बुद्धि दे, खूब आपका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना श्री राधा कृष्ण देव को करके मेरी वाणी को विराम। जय स्वामी।